अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। पहले जी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जो कि गुजर गई हुई है। व्लॉग लेट होने की रीज़न जो है वो आपके सामने है। ये बच्चा जो है ना, इसने हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया, सबको ही, किसी एक को नहीं। पहले इसको मैं उठाए फिर रही थी, क्योंकि कैरियर के अंदर ही होती थी तो ये सोई रहती थी या मेरे ऊपर होती थी, तो इतना इसको बार बार जो है ना देखना नहीं पड़ता था मुझे। तो मैं खाना वगैरह पकाती रहती थी, अपने काम करती रहती थी, वहाँ से आदत पड़ी पड़ी जी। आगे बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, फिर बच्चों ने इसको बड़े झूले दिए हैं। अब ये बच्चों के साथ कंपनी में रहना चाहती है, अकेली नहीं बैठती, ना बाउंसर में बैठते हैं ना बेड पे लेटते हैं। वी जस्ट वांट टू बी सिट अप। अभी उम्र छोटी है, बिठा भी नहीं सकते। पर अलिए ईद से एक दिन पहले का ब्लॉग है, आखिरी रोज़ा था जी, इफ्तारी वगैरह के साथ साथ खाना वगैरह बनाना था मैंने, और ये कुछ भी नहीं, बैठ ही नहीं रही थी। इस टाइम पर इफ्तारी के टाइम टाइम बहुत कम रह गया होता है। एंड इफ यू किड्स स्टार्ट फॉलिंग लव इन विद द बुक्स, देन यू डोंट हैव टू टेक अ बॉय ऑफ। फिर बेटे पहले दाया तो उतार लेना था। Well, I've got a new book and she's reading story to herself. Do her, she's listening. Chalo taro bye mein let come. Sara kuch wahin ka wahin hai. She's reading a book aur bade do jo hain wo bhi aaj books leke aaye hain. So they're reading to you. Just 2 days before madrasa. Yeah, so tar ke rakho. And it's a very quiet time in the house. To main aaram se baith ke apna kaam kar leti hoon. They are there. Agle ne bhi jo hai na apne toop aur baaye dump kiye hain. Hey, wo yaar. Money, is it good? Yeah. ये वाली जो बुक है ये मैंने इस्लामिक इंप्रेशन से ली थी। बुक्स पे नजर ही होती है मेरी, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं दो दो तीन दिन इकट्ठी खरीदते हैं फिर खत्म करके दोबारा नई बुक्स के चक्रों में पड़ जाते हैं। शौक तो बहुत अच्छा है कंपेयर टू सिटिंग ऑन द स्क्रीन और टैब्स ऑल द टाइम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। दो ये शौक थोड़ा सा महंगा भी है। इतना खाना जो है वो पक गया हुआ है। अफ्तार वाले जो लोग हैं, इसरा ने और उसके पापा ने रोज़े रखे होते थे, तो उनको मैंने उनसे पहले मैंने जो बाकी बच्चे हैं जिनका रोज़ा नहीं होता था उनको मेरा मतलब होता था फीड करवा के इधर आउट ऑफ द वे कर दूँ, ताकि वो लोग आराम से इफ्तार कर सकें। ये लोग रस्ते में नहीं आए, टाइम जो बड़ा क्रिटिकल होता है, 8 बजे के करीब 8 जो है इफ्तारी का टाइम, 15 भी हो गया था एंड वाले दिनों में, तो बहुत जो है ना वो बच्चों का थोड़ा बेड टाइम होता है, थोड़ा सा अजीब सी हसल पसल शुरू हुई होती है। जब वो लोग शॉर्ट आउट हो जाते हैं छोटे बच्चे, फिर जो है असर की और इस तरह की जो प्लेट्स हैं वो मैंने बड़ी अच्छी रेडी की थी। सारा रमजान है, तकरीबन शूट था। ओके जी, ये प्रिपरेशन हो रही है कुछ ईद प्रेजेंट्स की। हफा पुट अ टैग अप, मेरे जो टैग ऑन हफा ने अपना प्राइस टैग लगाया। शी सेड दैट बाय मी आई एम ओनली 199। यू आर नॉट 199 हफा, यू आर क्वाइट एक्सपेंसिव, डू यू नो दैट? थैंक यू। ओके जी, ये प्रेजेंट्स हैं जो मैंने इधर है वो पीछे, फॉरगेट अबाउट द तकियों का ढेर जो है मेरा। ये जी बाबा की जो बेस्ट मिडल एंड बेस्ट बेबी डॉटर है, ये उनके कसब है, पता नहीं कब से ये लोग खरीद रहे हैं। आई जस्ट फाउंड आउट अंडर द बेड, सो आई सेड जस्ट पुट इट हियर। ये हनिया ने खरीदा है आइसक्रीम सेट, ऑब्सेस्ड विद द आइसक्रीम वैंस एंड शॉप्स, सो ये उसने खरीदा है। ये इन दोनों ने मिलके एंटरटेनर से बाप की जो है ना किट लगाई थी, सो दे बॉट दिस वन टू। इसमें एक हफा की है और एक हनिया की है। दीज आर टू स्कार्फ्स आई ऑर्डर फ्रॉम ईबे। ये इसरा की थी जी, कि वो ट्राइंगल स्कार्फ अब नहीं लेती, प्री टीनेज यू नो, तो अब ये जो स्टोल फॉर्म में आते हैं ना, जो स्टोल बनी होती है वो उसने खरीदी है। उसके अंदर पिंक एंड रेड कलर मैंने ऑर्डर किया है जर्सी कपड़े के अंदर। ये इस तरह का बैग है जी, ये मैंने जो ये चीज़ें हैं मैंने शीन से ऑर्डर की हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑर्डर करनी होती है ना, आई कॉन्ट जस्ट कीप ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन ईबे डिफरेंट वेबसाइट, मुझे याद ही कुछ नहीं रहता उनसे हर चीज़ में जाती है। इसने छोटा सा बैग पैक लिया है, पेंसिल केस लिया हुआ है उसने अपने लिए खरीदा हुआ है। ये इसने वर्कशॉप से जो है जी कलर्स का सेट लिया हुआ है। देन शी हैड दिस कैनवस, ये पैक ऑफ 3 आ रहा है, इसके अंदर 4 pounds की 3 जो है कैनवस मिलती हैं। ये जो है ये मूसा ने इसके लिए खरीदी थी, शी इज सो इंटू दीज नाउ। ये वेस्ट के राउंड के बच्चे ने बेल्ट नहीं लगाई होती, वो उबाए के ऊपर लगाती है, अभी तक उसने ड्रेसेस पे यूज़ नहीं की। जब मदरसा जाती है ना तो उसमें रैंडम सी बेल्ट जो है ना जो ड्रेसेस के साथ फैंसी आती हैं वो यूज़ कर रही थी, तो मूसा बॉट हर दिस। और फिर वो कैनवस के लिए जो है उसने एक्रेलिक पेंट भी लिए हैं, वो उसके पहले ही यूज़ है, तो मैं इधर अपने कमरे में लाई। देन आई बॉट हर द पैक ऑफ ब्रशेस सो शी कैन यूज़। ये तुमने मिनी, ये आपका इसके ऊपर नोट लगाओ, ओके मिमी के लिए, तो इसको ये उतार के ना तो मिमी का कार्ड बना के अपने इसके ऊपर स्टिक करना है। एंड देयर आर 5 rings इन इट, सो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। ये हमारी ईद प्रिपरेशन जो है, गिफ्ट प्रिपरेशन वो खत्म हो गई है। फूड वगैरह का जो मैंने इफ्तारी का खाना बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था। फूड मैंने ईद वाले दिन नहीं बनाना था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बाहर जाके खाना खाने का था। उसके बाद ये ईद डे था, मॉर्निंग बच्चों के उठने से पहले इसरा जो है ना ये डेकोर शिकोर का भी सारा काम उसने किया हुआ था। बच्चे ज़रा इस उम्र में बड़े बड़े उनके शौक़ होते हैं कि ईद से रिलेटेड, कि एक दिन पहले उन्होंने जनाब को गुब्बारे शुबारे लगाने हैं जो मेरे ही रस्ते में आ रहे थे, बहरहाल मेकिंग दम फील गुड। तो
हम सुबह उठ के बस मैंने थोड़ा सा उठाया था बेबी को और मैं बच्चों को देख रही थी, वो प्रेजेंट वगैरह खोल रहे थे ईद की नमाज से पहले जो है, इन्होंने आके अपने गिफ्ट्स वगैरह खोले हैं, कुछ बच्चे तो अभी जमा ही नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुसा और उसके बाबा जो हैं ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, कुछ गेस्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं तकरीबन ईद की नमाज के बाद 10:30-11 बजे। मुझे ये था मैं बच्चों को उसके बाद रेडी करूँगी। बच्चे जो हैं अपने प्रेजेंट्स को लेकर बड़े एक्साइटेड थे, इवन दो दे हैव सीन देयर ऑलरेडी। ये जो है बच्चा भी थोड़ा हल्का हल्का सा उठ रहा था, इसके बाद मैंने इससे ही शुरू करना था। मुझे ये था मैं इसको पहले रेडी कर दूँ, इसको रेडी करने के बाद बाकी बच्चों करूँगी। ये जी पेंडेंट अनदर प्रेजेंट फ्रॉम द डैड, वो इसके अंदर जो है चेंज वगैरह डाल के दे रहे थे इनको, और मैं जो है ना छोटे वाले बेबी को रेडी करने के लिए थी, छोटी जो बच्चियाँ हैं वो दोनों मैंने रेडी करी थी। बस इसरा जो है वॉशरूम है, वॉशरूम चूँकि एक है तो बारी बारी जाना होता है। ये जी छोटे हमारे ऑन देयर फर्स्ट ईद, बड़ी ये शर्ट जो है इसको प्रेजेंट मिला था तो उसके साथ हमने पजामा मैच कर ली है, विच इज़ लुकिंग क्वाइट फनी क्योंकि बड़ा बैगी स्टाइल का पजामा था। ये जो है थोड़ी स्किनी है लेकिन इसका कद तो थोड़ा सा लंबा है, तो चीज़ें लेंथ के हिसाब से पूरी आती हैं लेकिन बहुत लूज होती हैं, उसके ऊपर विच लुकिंग क्वाइट फनी लेकिन वॉज गुड मैच। ट्राउज़र वही वाला मैच था। ये जी हमारी छोटी बाजियाँ हैं तैयारी मुकम्मल करके, तो ये फोटोशूट हो रहा था इनका, मैंने इनको इनके पापा के साथ बाहर भेज दिया था, वहाँ पर उनके पिक्चर्स वगैरह खींचे थे। छोटा सा क्लिप मुझे उनके फ़ोन से मिला था, अदरवाइज मेरे पास प्रेप का कोई क्लिप नहीं था इनको रेडी करते हुए, ना मैं कोई रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ये उनकी आपा थी मदरसे में जो, जिन्होंने लास्ट ईयर कुरान इन्हें पढ़ाया था, लास्ट ईयर का पूरा जो कोर्स है इन्होंने ही कवर करवाया था। हर जगह में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इस फ्लैट के अंदर थोड़ी सी 4 बच्चों के बाद जगह के हिसाब से हमने थोड़ी सी स्ट्रगल की है, लेकिन वॉज वर्थ लिविंग हेयर। बहुत ज़बरदस्त से टीचर मिले थे, बहुत सा अच्छी फैमिली से इन टच हुए थे। बाकी जो जहाँ अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह वहाँ चले जाएंगे हम। अल्लाह जो है वो ज़रूरियात को इंसान से ज़्यादा देखता है और देने की वाली ज़ात भी उसी की है, कोई इंसान किसी को दे नहीं सकता, इंसान जितनी मर्जी जल्दियाँ करे टाइम से पहले कुछ हो नहीं सकता। सो ये टीचर्स टीचर होते हैं जी, ये देखे कैसे उन्होंने इंगेज करके बिठाया हुआ पूरे ब्लॉग में, बच्चे सिर्फ यहीं आपको नज़र आएंगे बैठे हुए और कहीं भी नहीं नज़र आएंगे। Which prophet is also known as Kalimullah, the one whom Allah spoke to directly? Is it Prophet Ibrahim? Is it Prophet Musa? Or is it Prophet Muhammad? Prophet Musa. Good. Kalimullah. Because I learned about it. Into how many parts or juz is the Quran divided? Is it 20? 25 or 30? उनकी अपा जो हैं वो लंच के बाद चली गई थी, बच्चों ने उनके साथ बड़ा इंजॉय किया था, उनके बच्चे भी थे ज़ाहिरा साथ, तो बच्चे बच्चों को ही देख के खुश होते हैं। ये जनाब पूरा जो प्लेट है वो नेबर्स की तरफ से आई थी, बड़े प्यार से उसने जो है ना बच्चों के लिए स्वीट्स बनाई हुई थी। उसके बाद हमारे जो हैं दूसरे गेस्ट थे जिनके साथ हमने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया था, पकाना शिकाने का चूँकि मैंने रमज़ान में बड़ी स्ट्रगल की थी तो असद ने ये एग्री थे वो कि ईद वाले दिन पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर से खाना खा लेंगे। तो रात को हमने उड़ल से खाना खाया था एंड एज एक्सपेक्टेड आई हैवंट शूट एनीथिंग। बच्ची होती है मेरे हाथ में, बाकी जो है एक दो उंगली लगाने वाली भी होती हैं साथ चलाने वाली, तो मैंने जो है ना वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग इस तरह नहीं की होती है। दैट वाज द सेकंड डे ऑफ ईद, इस दिन भी जो हमारे गेस्ट आए थे और मूसा जो है इस बार बड़ा लकी रहा है। जो छोटे छोटे से बॉयज़ हैं जो आपने पिछले फर्स्ट डे भी आया हुआ था और सेकेंड डे भी, मूसा फाइनली गॉट टू ऑफ देम। चलो सेम डे नहीं आए लेकिन छोटे बच्चे अब बड़े हो गए, मैं पहले ये बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल बेबी से, तो मूसा बड़ा बोर होता था। लड़कियां बहुत इंजॉय करती थी, लकीली दे हैव सो मेनी फ्रेंड्स, लेकिन एज सच को बॉयज़ इतने ज़्यादा नहीं थे। अब ये थोड़े बड़े हुए हैं तो मूसा बड़ा खेलता है इसके साथ, उसने बकायदा मैचिंग भी की हुई है। फर्स्ट डे भी ही का वन बॉय, सेकेंड डे ही का वन बॉय, सो मूसा ईद वॉज क्वाइट गुड दिस टाइम अराउंड। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग था ईद का, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।